सीतापुर में चुनावी जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। समाजवादी व सुभाषपा के प्रत्याशी के पक्ष में सुरक्षित विधानसभा मिश्र के प्रत्याशी मनोज कुमार राजवंशी के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन पहला आश्रम में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। ओम प्रकाश राजभर ने जनता से सुभाषपा के चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबाने की अपील की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार जो कि बार बार यही कहती आई है कि अच्छे दिन आएंगे, मगर जनता के बुरे दिन आ गए। मोदी जी ने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, मगर एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बेच दिया, लाल किला बेच दिया। उन्होंने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे आवारा गोवंशों के बारे में भी चुटकी लेते हुए कहा, योगी जी के ललका सांड किसानों को जीने नहीं दे रहे हैं, इनसे पीछा छुड़ाना है। और नारा दिया, अब की जीतेगी छड़ी, भाजपा की खटिया खड़ी। साथ ही मजाकिया लहजे में एक और अपने नए अंदाज में कहा कि 10 मार्च को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। इस चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी व सुभाषपा संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें साध्वी मंगला, पूर्व विधायक रामलाल रावत, पूर्व विधायक बाल गोविंद प्रधान, लोकनाथ मौर्य, गुड़ व्यापारी कमलेश मौर्य, के पी सिंह अर्कवंशी, बाबा ननकुदास अर्कवंशी सहित हजारों कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। भारत 24x7 लाइव के लिए मिश्रिक से अमर प्रताप के साथ श्यामा कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पूरी लंका जला के चले आए और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ साथी, हम सीतापुर में खड़े हैं, बगल का हरदोई है, लखनऊ दो चरण का चुनाव हुआ है, पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55। जनत हुआ का भेल, हम लोग 95 सीट जीत गए, 95 में नहीं दुनिया में, अहिया लखनऊ आवत आवत 200 पार, लखनऊ आवत आवत 200 पार। अब जहां हमारे घर है तो बाकी बोनस चले, आजमगढ़, मऊबलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोड्डा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, 27 जिला है, 163 विधानसभा सीट है, खाता न खुले अम्बेडकर लोगन का चले बढ़िया। अब इतनी धनिया पे चिल्लाते हैं ना, इन लोग को हवा निकाल दे। 10 तारीख के 10 मार्च को 10 बजे, 10 मार्च को 10 बजे टेलीविजन पे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, समझे क्या ना? हमने दो नारा लगाया है, जब माननीय अखिलेश यादव जी पहली बार मऊ की सरजमी पे हमारे मंच पे खड़ा हुए, उस दिन मैंने कहा था कि बंगाल में खेला हो गए तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। भाजपा के साथी अगर तेरे बीच में आ जाए, बैठा के पानी चाय पिला दो, उनसे खाली इतना पूछो, कहा हो सिलेंडरवा है, सरसोइया का तेलवा, तो कोई ना कहीं कोई बात मत करो, तो अच्छा चल जाओ वही भाजपा के गोल में, वही बतियाओ, यहाँ मत बतियाओ, रिश्तेदारी करे कोई तो चुनाव के बाद आईहा, ये समय रिश्तेदारी करे आलुआ तो साइकिल को बटन दबेगा तो तुह 5 साल बिजली फ्री है माने दे। बोला प्रचार हुई कि न हुई? दूसरा नारा हम यही आपके हरदोई में लगौली, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई भिलाई नहीं। इसमें इसी नारे के साथ हम बहुत नहीं आज भैया विधायक के जितवा लाए बंपर रोड से, ठीक ना? यहाँ जितवावा, अरे हम तो रहते कर ठीका ना झांसी वहां भी यही देखा, हमने सामने मुजफ्फरनगर सहारनपुर बागपत भी यही देखा, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ यही स्थिति मिल रही है कि पूरा जैसे एक कवि ने लिखा है कि खोज खोज अधियार भगावा ऐसे सब अकुलायल बा, पता न पावा दियनी के पियनी तरसार लुकायल बा। इसे कंप्यूटर मान रहा है अपना, इससे आपकी कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं।
बिल्कुल मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमारे जिस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है वो जनता समर्थन से घबरा करके गोरखपुर से गुंडे बनारस भेजे गए, जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दिया है कि 3 आदमी नामांकन में अंदर जाएगा बैरिकेड के अंदर, तो ये सैकड़ों लोग कैसे अंदर चले गए। तो योगी के इशारे पर गोरखपुर से गुंडे भेजे गए और डीएम कमिश्नर के इशारे पर वहाँ नामांकन कक्ष के सामने लोगों को कैसे पहुँचाया गया, सवाल खड़ा होता है। तो वहाँ जिस तरह की हुकिंग की गई, जिस तरह हमारे ऊपर कारण पकड़ा गया, मारपीट की गई, तो ये क्या दिखता था। और वहाँ ये कहा गया कि गोली मार दूंगा, हमारा उसको गोली साले, मतलब जो भाषा उन लोगों ने बोला ये किसी पढ़े लिखे लोगों की वकीलों की बोली नहीं हो सकती, ये सब समाज के लोग ऐसा नहीं बोल सकते। ये योगी जी हमसे घबराए हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया है, 4.5 साल जो बिजली का बिल बढ़ा करके उन्होंने गरीबों उत्तर प्रदेश की जनता से जो लूटा है, इसका पूरा सागर कोई करा दे। आखिरी सवाल, चुनाव आयोग को भी लगता है कि कोई किसी के दबाव में काम करे। देखिए, जिस दिन चुनाव आयोग पीएमओ दफ्तर चला गया उसी दिन संदेश चालू हो गया था। एक क्लियर है कि इस समय पूरे प्रदेश में आप किसी से पूछेंगे तो पीएमओ अब दफ्तर जाना, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आप लोगों के सामने आकर जनता से अपनी फरियाद, ये पहली बार ऐसा हो रहा है।